हेलो फ्रेंड्स जीएसटी की एनुअल रिटर्न से रिलेटेड बड़ा क्लैरिफिकेशन सीबीआईसी ने इशू किया है फ्रेंड्स सीबीआईसी ने कहा है कि नोटिफिकेशन नंबर सिक्स नाइन अब्ली ट्वेंटी ट्वेंटी सेंट्रल टैक्स के द्वारा एनुअल रिटर्न फाइनेंशियल एटीन नाइनटीन के लिए फ़ाइल करने की लास्ट डेट थर्टी फर्स्ट अक्टूबर ट्वेंटी ट्वेंटी की गई थी फ्रेंड्स कुछ रिप्रेजेंटेशन सीबीआईसी को मिले हैं कि फाइनेंशियल एटीन नाइनटीन की जब वह जी एस टी एंड नाइन यानी कि एनुअल रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो उसमें टेबल नंबर फोर फाइव सिक्स एंड सेवन में फाइनेंशियली सैवनटीन एटीन से रिलेटेड डेटा भी आ रहा है लेकिन फाइनेंशियली सेवनटीन एटीन से रिलेटेड जो डिटेल है वो टैक्स पेयर ने ऑलरेडी फर्निश कर दी थी जब उन्होंने सेवनटीन एटीन की एनुअल रिटर्न फाइल की थी और friends, 17 सेवनटीन एटीन 18 नाइनटीन का डेटा स्प्लिट करने का कोई प्रोविज़न जी एस नाइन में नहीं है फाइनेंशियल 18 नाइनटीन के लिए इसलिए सी बी आई ने यहाँ पर क्लैरिफाई किया है कि टैक्स प्योर को सिर्फ फाइनेंशियल 18 नाइनटीन से रिलेटेड वैल्यू ही रिपोर्ट करनी है और जो फाइनेंशियल सेवनटीन एटीन से रिलेटेड वैल्यू है जो कि एडजस्टेबल में आएंगी वो इग्नोर कर दी जाएंगी लेकिन यदि टैक्स पेयर ने ऑलरेडी फाइनेंशियल एटीन नाइनटीन की रिटर्न फाइल कर दी है जी एस टी या नाइन और उसमें सेवनटीन एटीन का डेटा भी उन्होंने इंक्लूड कर लिया है फाइनेंशियल एटीन नाइन्टीन में तो उनके अगेंस्ट कोई एडवर्स एक्शन नहीं लिया जाएगा फ्रेंड्स सी बी आई ने कहा है कि सभी टैक्स पेयर को रिक्वेस्ट की जाती है कि फाइनेंशियल एटीन नाइनटीन के लिए एनुअल रिटर्न वो जल्दी फाइल कर दे ताकि लास्ट मिनट पे रश ना हो फ्रेंड्स फाइनेंशियल एटी नाइनटीन के लिए जी एस को फाइल करना तभी जरूरी है यदि व्यक्ति की एग्रीगेट एनुअल टर्न ओवर दो करोड़ रुपये से ज़्यादा है और जी एस सी के अंतर्गत रिकनसलेशन स्टेटमेंट यानी कि ऑडिट तभी कराना है यदि रजिस्टर्ड पर्सन की एग्रीगेट पाँच करोड़ रुपये से ज़्यादा है फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आपको न्यूज़ पसंद आई होगी कृपया लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुँच पाए और वह जी एस टी एक्ट के अंतर कॉम्प्लायंस कर पाएँ